आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले में जल जीवन मिशन के तहत जल ज्ञान यात्रा को सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल जीवन मिशन के तहत सिद्धार्थनगर जिले के करीब 150 स्कूली बच्चों को जल ज्ञान यात्रा पर भेजा जा रहा है। इस जल ज्ञान यात्रा के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जल को कैसे बचाया जाए और कैसे उसे संरक्षित किया जाए, इसको लेकर जल जीवन मिशन के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं कार्यक्रमों के तहत स्कूल के बच्चों को सिद्धार्थनगर जिले में चल रही जल जीवन मिशन के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जल को संरक्षित करने के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर रही है और बच्चों को जल के संरक्षण को लेकर क्या कुछ करना चाहिए। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। आज आपने बच्चों को हरी झंडी दिखाया, किस तरह की यात्रा थी, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, जो जल जीवन मिशन चल रहा है प्लस जो पानी के संबंध में बच्चों को जागरूकता लाने के लिए कि जल को बचाना है, जल की गुणवत्ता मेंटेन रखनी है, उसके क्रम में ये विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, 100 से अधिक बच्चे हैं जो ये जल निगम की टेस्टिंग लैब से वहाँ का विजिट करेंगे, किस पैरामीटर्स पे पानी की गुणवत्ता चेक होती है, प्लस जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत टंकी का और वाटर सप्लाई स्कीम का निर्माण हो चुका है उसका भी जाके अवलोकन करेंगे, लोगों से अनुभव भी सीखेंगे ताकि एक अच्छी जागरूकता बच्चों के अंदर रह सके स्कीम के बारे में भी और जल जीवन है इस उद्देश्य के साथ।